किसान भाइयों नमस्कार कृषि समाचारों में आपका स्वागत है किसान भाइयों गेहूं में रस्ट तथा करनाल बंट रोग के प्रबंधन के विशेष संदर्भ में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए रणनीति निर्धारण संबंधी बैठक गत दिनों योजना भवनों में आयोजित हुई बैठक में गेहूं फसल के मुख्य उत्पादक सात प्रदेशों हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड और भारत सरकार के शीर्षस्थ अधिकारियों वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया यह बैठक सरकार एवं उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई बैठक में गेहूं के उत्पादन को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग करनाल बंट तथा येलो रस्ट के बारे में विचार विमर्श हुआ बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस वर्ष गेहूं के सभी बीज संस्तुत फफूंदीनाशक नाशक के उपचार के उपरांत ही कृषकों में वितरित किए जाएं साथ ही ऐसी प्रजातियां जो बंट एवं रस्ट के प्रति अधिक संवेदनशील का उत्पादन श्रृंखला से बाहर कर दिया जाएगा वर्ष 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक खेती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है तथा इस वर्ष के लिए पारिवारिक खेती विश्व का पोषण एवं धरती की देखभाल विषय रखा है इसी के उपलक्ष में 16 अक्टूबर को कृषि निदेशालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया पारिवारिक खेती की विचारधारा उसके महत्व पारिवारिक खेती से होने वाले लाभ और पारिवारिक खेती को मजबूत करने के उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया बैठक में पारिवारिक खेती के माध्यम से बढ़ती जनसंख्या के पोषण के साथ साथ भूमि की सही देखभाल सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में चर्चा करते हुए किसानों एवं उनसे जुड़े कार्मिकों को जागरूक करने पर दिया गया। इस अवसर पर जनपदों में भी इसी विषय पर कार्यशाला का आयोजन करके लोगों को भुखमरी मिटाने एवं खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के प्रयास किए गए और दैनिक फसलों में सुनियोजित सिंचाई पद्धति को अपनाने एवं उपलब्ध जल संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर स्थापना योजना पूरे उत्तर प्रदेश में संचालित की जा रही है इस पद्धति को क्रियान्वित करने के लिए लाभार्थी कृषकों को प्रशिक्षण प्रचार प्रसार के साथ साथ फलदार बागों सघन दूरी वाली औद्यानिक फसलों शाक भाजी एवं पत्तेदार सब्जियों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पद्धति की स्थापना की जा रही है इस पद्धति के उपयोग से जल के अनुकूलतम उपयोग से फसल की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार होता है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा डीपीएपी से आच्छादित विकास खंडों के लघु सीमांत कृषकों को निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष 90% अनुदान तथा अन्य कृषकों को 70% अनुदान अनुमन्य है इसी प्रकार नॉन डीपीएसी विकास खंडों के लघु सीमांत कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान तथा अन्य कृषकों को 60 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सामयिक सलाह फसलों की बुआई हेतु तो प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें यदि प्रमाणित बीज उपलब्ध ना हो तो बीज शोधन के बाद ही बुआई करें पके हुए धान के खेत से जल निकासी की यथाशीघ्र व्यवस्था करें धान की फसल काटकर सुरक्षित व सूखे स्थान पर रखें। रवि फसलों की बुआई हेतु नमी का संरक्षण करें धान की बालियों का सुनहरा रंग प्राप्त होने की अवस्था में कटाई करें वरना दाना बिखरने से उत्पादकता में कमी आ सकती है धान में देर से पकने वाली प्रजाति उत्पादन की शुद्धता बनाए रखने के लिए अनुसार अवांछनीय पौधों को निकाल दें कीट बाली की दुग्धावस्था में लगता है गंधी कीट एक से दो कीट प्रतिपुज दिखाई देने पर मिथाइल पैराथियान दो प्रतिशत धूल बीस से पच्चीस किलोग्राम अथवा मेलाथियान 5 प्रतिशत धूल बीस से पच्चीस किलोग्राम अथवा फेनवेल रेट शून्य दशमलव शून्य चार प्रतिशत धूल बीस से पच्चीस किलोग्राम का प्रति हेक्टेयर की दर से बुरका सैनिक कीट की चार से पांच सूढ़ी प्रति वर्ग मीटर दिखाई देने पर मिथाइल पैराथियान दो प्रतिशत धूल या मैलाथियान पांच प्रतिशत धूल बीस से पच्चीस किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें गेहूं की बुआई से पहले जमाव प्रतिशत अवश्य देख लें राजकीय अनुसंधान केंद्रों कृषि विश्वविद्यालयों पर यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है यदि बीज अंकुरण क्षमता कम हो तो उसी के अनुसार बीज की दर बढ़ा लें तथा बीज प्रमाणित न हो शोधन अवश्य करें साथ ही बीजों को एजेटोबेक्टर व पीएसबी से उपचारित कर बुआई करें वर्तमान वर्षा का लाभ उठाते हुए उचित नमी पर गेहूं की असिंचित दशा में बुआई हेतु गेहूं की क्षेत्रवार संस्तुत प्रजातियों जैसे के छियानवे चवालीस मगहर के अस्सी सत्ताईस मंदाकिनी के तिरानबे इक्यावन इंदिरा के नवासी बासठ गोमती के चौरानबे पैंसठ एच डी आर सतहत्तर तथा पी डी अट्ठाईस की बुआई करें असिंचित दशा में कठिया गेहूं की संस्तुत प्रजातियों अर्नेज नौ तीस एक मेघदूत विजिया येलो जे यू बारह जी डब्ल्यू दो एचडी डी छियालीस सुजाता तथा एचआई आई छियासी सत्ताईस के बीज की व्यवस्था करें जो कि असिंचित दशा में क्षेत्रीय संस्तुत छिलका युक्त प्रजातियों आजाद के एक के एक हरितमा के पाँच लखन के दो आर एस छ ग्यारह तिहत्तर तथा छिलका रहित प्रजाति गीतांजलि के ग्यारह उनचास की बुआई का उचित समय बीस अक्टूबर से दस नवंबर है अतः बीज की व्यवस्था कर लें असंचित अवस्था में उर्वरकों की संपूर्ण संस्तुत मात्रा में बीज के नीचे डालें चने की संपूर्ण उत्तर प्रदेश हेतु देशी संस्तुत प्रजातियों जैसे अवरोधी पूसा दो सौ प्रस्तुत प्रजातियों राधे व जे जी सोलह तथा काबुली चना की संपूर्ण उत्तर प्रदेश हेतु संस्तुत प्रजाति एच के चौरानवे एक सौ पूर्वी उत्तर प्रदेश हेतु पूसा 1003 पश्चिमी उत्तर प्रदेश हेतु चमत्कार वी जी दस तथा बुंदेलखंड हेतु संस्तुत जे जी के एक उज्जवल व शुभ्रा प्रजातियों की बुआई का उचित समय है मटर की संपूर्ण उत्तर प्रदेश हेतु संस्तुत प्रजातियों जैसे मालवीय मटर पंद्रह सपना केपीएमआर पी एक सौ चवालीस और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश हेतु संस्तुत प्रजातियों मालवीय मटर दो पालथी मटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हेतु जय केपीएमआर पी सौ बाईस हरियाल पंत पी बयालीस अमन दो हजार नौ मध्य उत्तर प्रदेश हेतु संस्तुत प्रजातियों आर चार सौ इंद्र केपीएमजे पी एम आठ आदर्श आई पी एफ और पंद्रह विकास आईपीएफ डी निन्यानवे और तेरह प्रकाश आदि प्रजातियों की बुआई करें और आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर गेहूं मेरठ में एक हजार पांच सौ दस रुपए प्रति क्विंटल फैजाबाद में एक हजार चार सौ पैंतीस रुपए कानपुर में एक हजार पांच सौ साठ रुपए पीलीभीत में एक हजार चार सौ साठ रुपए और बरेली में एक हजार पांच सौ रुपए चावल मेरठ में दो हजार प्रति क्विंटल फैजाबाद में दो रुपए, कानपुर में दो रुपए, पीलीभीत में दो रुपए और बरेली में दो रुपए प्रति क्विंटल चना मेरठ में तीन रुपए प्रति क्विंटल फैजाबाद में तीन थी रुपए, कानपुर में तीन रुपए, पीलीभीत में तीन रुपए और बरेली में तीन रुपए प्रति गुड़ मेरठ में 2,830 रुपए प्रति क्विंटल फैजाबाद में 3,450 रुपए कानपुर में 3,260 रुपए पीलीभीत में 3,200 रुपए और बरेली में 3,100 रुपए प्रति क्विंटल और अब मंडी में सब्जियों के भाव आलू मेरठ में 1,800 रुपए प्रति क्विंटल फैजाबाद में दो रुपए कानपुर में दो रुपए पीलीभीत में एक रुपए और बरेली में 1875 रुपए प्रति क्विंटल प्याज मेरठ में 1520 रुपए प्रति क्विंटल फैजाबाद में 1580 रुपए कानपुर में एक रुपए पीलीभीत में 1510 रुपए और बरेली में 1650 रुपए प्रति क्विंटल टमाटर मेरठ में 1600 रुपए प्रति क्विंटल फैजाबाद में 1670 रुपए कानपुर में एक रुपए पीलीभीत में 1750 रुपए और बरेली में हजार सात रुपए प्रति क्विंटल बैंगन मेरठ में पांच सौ प्रति क्विंटल फैजाबाद में पांच सौ रुपए पीलीभीत में पांच सौ रुपए और बरेली में आठ सौ रुपए प्रति क्विंटल औरब मंडी में फलों के भाव केला मेरठ में एक हजार रुपए प्रति क्विंटल फैजाबाद में एक हजार रुपए कानपुर में एक हजार रुपए पीलीभीत में एक हजार रुपए और बरेली में रुपए प्रति क्विंटल मेरठ में सेब का भाव चार हजार बीस प्रति क्विंटल फैजाबाद में चार हजार पचास रुपए कानपुर में पांच हजार आठ सौ दस रुपए पीलीभीत में चार हजार पचासी रुपए और बरेली में सेब का भाव चार हजार रुपए प्रति क्विंटल ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव कल हम इसी समय फिर मिलेंगे कृषि जगत की नई खबरें नए समाचारों के साथ और बताओ बस अरे ये क्या भैया जी बस इतनी सी रसायनिक खाद किसानी छोड़ रहे हो क्या किसानी नहीं नादानी छोड़ रहे हैं मिट्टी की जांच कराई है अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें और हाँ मिट्टी में गंधक जस्ता बोरून जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नींद लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें अरे वाह तू तो सचमुच समझदार हो गया रे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर खर्च की चिंता किसे है मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड कार्ड अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कारण मेरे लिए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाए ढेर सारे लाभ शामू भैया सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा आखिर यहाँ बारिश तीन गुना होती है चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। वाह, गए नमस्ते सरपंच जी हाँ भाई उपजाऊ जाओ जमीन की कीमत को पहचानो जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या भरपूर मदद जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह एक हजार हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे क्या ये सपना सच होगा हाँ जरूर पूर्वी भारत और हरित क्रांति का अग्रदूत होगा और हम सब मिलकर कदम बढ़ खुशबू की फुहार में स्वाद की बहार में तरक्की की तमी खिलती मुस्कानों में हरे भरे पौधों में बड़े बड़े सादों में, मधुर भी भिनाहट में खुशियों की आहट में बागवानी मिशन में हमारी चाहत आपकी हाँ की मुस्कुराहट दर्शन के इस नए अंक में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों जब किसान खेत में पहला बीज बोता है उसी पल से उसके मन में एक अच्छी पैदावार एक अच्छी उपज की उम्मीद जाग उठती है और जब मिट्टी से पहला कोपल फूटता है उसी पल से उसके मन में खुशियां लहलाने लगती हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे किसान भाई खाद्यान्न की दिशा में लगभग आत्मनिर्भर हो ही चुके हैं वो परंपरागत तरीकों को अपनाते हैं पुरानी खेती के तरीकों को अपनाकर एक अच्छी फसल भी पा लेते हैं लेकिन कितना ही अच्छा हो कि एक नई तकनीक का उपयोग करके उनका प्रयोग करके वो दिन दूनी रात चौगनी अच्छी फसल की प्राप्ति कर सकें इसी दिशा में जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जिला उद्यान अधिकारी लखनऊ से श्री बालीशरण चौधरी जी को आप हमें जानकारी देंगे टिश्यू कल्चर द्वारा केले की खेती किस तरह से की जाए डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपको भी नमस्कार जी आ, तो डॉक्टर साहब आज के अंक को आगे बढ़ाते हुए हम इस विषय पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि टिश्यू कल्चर तकनीक क्या है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा किसान भाई इसके बारे में जानकारी उनको नहीं है तो आप सबसे पहले हमको इस तकनीक के बारे में जानकारी दें वर्तमान समय में जहाँ तक टिश्यू कल्चर केले की खेती के विषय में जानकारी जहाँ तक मुझे देना है इस विषय में बताना चाहूंगा कि आम किसान आज कल्चर केले की खेती के विषय में उसको जानकारी पूरी तरह हो चुकी है और कल्चर केला पौध क्या है उसके विषय में मैं संक्षिप्त बताना चाहूँगा एक हमारा कल्चर लैब होता है जिसके अंतर्गत छोटे से पार्ट जो अच्छे हमारे मदर प्लांट जो केले के होते हैं उसके छोटे से पार्ट को लेकर कल्चर के माध्यम से पहले हम उसको पौधे को जर्मिनेट कराते हैं लैब में और लैब से फिर हमने बाहर निकालते हैं और उसको सेडनेट हाउस में उसको कम से कम तीन महीने हम जो हार्डनिंग करने के बाद तब वो पौधे हमारे किसान के खेत में लगाने योग्य होता है जी और उस पौधे को हमारे किसान जो है उसके बाद लगाते हैं और जो समान जो पौधे होते हैं जो शक्कर के माध्यम से तैयार होते हैं वो पौधे इसके अपेक्षा काफी खराब होते हैं कम उत्पादक होते हैं और जो टिश्यूकल्चर जो हमारे पौधे हैं ये समान आकार के होते हैं और ये विषाणु मुक्त पौधे होते हैं इसलिए किसानों के सबसे अच्छा जो है टिश्यूकल्चर ही माने जाते हैं यानी कि आपके कहने का अर्थ ये है कि परंपरागत तरीके के बजाय अगर टिश्यू कल्चर तकनीक को हमारे किसान भाई अपनाएं तो उनको अच्छी फसल मिल, सकती मिल सकता है।, है।, है बिल्कुल मिल सकता है कल्चर टिश्यूकल्चर सबसे अच्छी बात यह है कि ये बारह से चौदह महीने के अंदर यह फसल तैयार हो जाता है और इसके अलावा इसके जो फल होते हैं ये 30 से 35 किलो तक जो है इसका उत्पादन होता है प, पौधा जी और यहाँ तक कि ये देखा गया है कि इस इसकी जो गुणवत्ता जो होता है सामान्य फलों की अपेक्षा काफी अच्छा और काफी सुंदर आकर्षक होता है जिससे इसका व्यवसायिक दृष्टिकोण से किसानों को ज्यादा लाभ प्राप्त होता है जी डॉक्टर साहब इसी श्रृंखला में आगे जो एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है वो ये है कि केले की जो खेती होती है जी Uh, सामान्य तरीके से uh, पौधारोपण करने में और टिश्यू कल्चर से पौधा रोपण करने में क्या कोई अंतर है या किस तरह से इसका पौधा रोपण करना चाहिए रोपण करने में जो हमारे टिस्ट कल्चर जो पौधे होते हैं ये पाली बैग में तैयार किए जाते हैं तो जब भी हम पाली बैग में जो पौधे ले आते हैं रोपण करने के लिए तो हम पाली बैग को ना हटा देते हैं अच्छा। उसके बाद इसको रोपण करते हैं और जो हमारे सामान्य पौधे शकर के जो माध्यम होते हैं उसको जो है मैं सीधे में उसको रोपित कर देते हैं दोनों में बस ये अंतर है तो डॉक्टर साहब कितनी दूरी रखनी चाहिए पौधा रोपण करते समय विषय हमारा टिस्वुकल्चर पौध रोपण का है तो मैं विशेष रूप से मैं पौध के विषय में बताना चाहूंगा जी जी जी। कि एक दशमलव आठ मीटर की पौधे से पौधों की दूरी और कतार से कतार की दूरी अगर रखा जाता है तो एक हेक्टेयर में तीन हजार छियासी पौधे उपलब्ध होते हैं यदि मान लीजिए अगर हम मशीन के दर, के रूप में किसी यंत्र यंत्र के द्वारा ट्रैक्टर चालित यंत्र के द्वारा अगर हम पौधों का रोपण करना चाहते हैं या खेती करना चाहते हैं तो उसमें हम दो सेंटीमीटर यानी दो मीटर पचहत्तर सेंटीमीटर हम जो है कतार से कतार की दूरी रखते हैं और पौधे से पौधे से की दूरी हम एक मीटर रखते हैं और इसमें छत्तीस ऐसी छत्तीस एक हेक्टेयर में आते हैं जी और इन गड्ढों की गहराई लगभग कितनी होनी चाहिए जितने जिससे कि पौधे अच्छी तरह जम जाए मिट्टी समान रूप से हम गड्ढों का जो आकार बनाते हैं आधा मीटर के आकार हम रखते हैं पूरे गहराई और उसकी चौड़ाई पूरा आधा आधा मीटर का आकार हम रखते हैं और ये हम गड्ढे जो है मई और जून के महीने में हम तैयार कर लेते हैं अच्छा और मई के जून में इन्हें तैयार करने के बाद से उसमें हम जो है 200 ग्राम जो है उसमें म्योडा पोटास सौ ग्राम डी और दो ग्राम नीम की खली और पचास ग्राम हम उसमें जो है टाइकोडर्मा मिलाकर और उसमें कम से कम दस किलो सड़ी गोबर की खाद ये पूरी तरह से ऊपर की मिट्टी के साथ मिलाकर हम उसको फिलअप कर देते हैं सामान्य पौधे और टिश्यू कल्चर के पौधे के उत्पादन में भी क्या फर्क होता है काफ़ी फर्क होता है एक तो हमारे जो सामान्य हमारे पौधे होते हैं उसमें समय भी अधिक लगता है उसकी क्वालिटी भी खराब होता है और उसमें उत्पादन भी कम होता है और व्यवसायिक दृष्टिकोण से जो हमारा जो बाज़ार की जो मांग है जी, जी। या जो हमारी इनकी जो गुणवत्ता है काफ़ी इसकी अपेक्षा काफ़ी ख़राब होता है ऐसी स्थिति में हम टिश कल्चर केला पौध का ही किसान जो है लगा रहे हैं और हमें आसानी से मिल भी जा रहा है पौधों की कोई कमी नहीं है कई प्रदेशों में कल्चर के माध्यम से तमाम कंपनियां इसमें काम कर रही हैं और मैं यहां भी ये बत, भी बताना चाहूंगा कि मेरे विभाग के द्वारा भी जो है किसानों को कल्चर पौधे जो है अनुदान के रूप में दिया जाता है जी तो डॉक्टर साहब किसान भाइयों को इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी किस तरह से मिल सकती है किसानों को समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा गोष्ठिया आयोजित की जाती है किसान मेले आयोजित किए जाते हैं और मीडिया के माध्यम से भी केले की खेती पर विशेष रूप से प्रचार प्रसार किया जाता है और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि हमारे जितने भी प्रदेश के जितने भी जिले हैं और हमारे ए, सभी जनपदों में जिला उदानकारी के माध्यम से एक कार्यक्रम कराए जाते हैं और सभी किसान जो है इस कार्यक्रम से परिचित हैं और विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि आज केले की खेती के लिए जो हम सरकार के द्वारा जो अनुदान उपलब्ध कराते हैं उससे कहीं अधिक क्षेत्रों में केले की खेती हो रही है केवल लखनऊ मंडल में अगर देखा जाए तो चार हेक्टेयर के क्षेत्र में केले की खेती की जा रही है और किसान इसमें प्रति हेक्टेयर चार से पांच लाख रुपया तो इसमें लाभ कमा रहे हैं जी डॉक्टर साहब ये तो आपने लाभ की बात करी लेकिन लाभ से पहले तो किसानों को निवेश करना पड़ता है फसल के लिए तो आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम ये करना चाहेंगे कि एक किसान अगर टिश्यू कल्चर द्वारा केले की खेती करना चाहता है तो लगभग कितनी राशि मतलब कितना व्यय करना जी, पड़ेगा जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा रहा जी, मैं इस विषय में बताना चाहूंगा कि एक किसान को अगर एक हेक्टेयर में केला का रोपण करना चाहता है तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा गया है दो लाख रुपया तक एक हेक्टेयर में उसको खर्च आता है और अगर दूसरे साल जब उसको केले में फिर उसको कन्वर्ट करता है जब शक्त के माध्यम तैयार करता है तो उसमें डेढ़ लाख का खर्चा आता है और ये देखा गया कि प्रथम वर्ष में जो है उसको पांच से लेकर छह लाख शुद्ध लाभ उसको प्राप्त होता है और दूसरे वर्ष में चार लाख से पांच लाख रुपया उसको लाभ मिल जाता है जी यानी कि आरंभ में लगभग दो लाख रुपए की राशि तो लग ही लग जाती है आ, लेकिन डॉक्टर साहब जो किसान भाई आर्थिक रूप से इतने आत्मनिर्भर नहीं है जी उनके लिए क्या समाधान है समस्या उनके समों? लिए समाधान ये एक तो वह छोटे जो किसान हमारे हैं जो लघु सीमांत किसान है वो एक एकड़ से ज्यादा खेती नहीं कर पाते हैं जी जी और ऐसे किसानों को विशेष रूप से चाहिए कि हमारे विभाग से उनको जुड़ना चाहिए और हमारे विभाग के द्वारा जो है तीस हजार सात सौ रुपये का उनको टेस्ट कल्चर पौध निःशुल्क उपलब्ध कराता है और वो हमारे अगर अप्लाई करते हैं तो हम उनको पौधे फ्री में निःशुल्क उनको उपलब्ध करा देंगे और उससे उनको काफ़ी जो है उनके कार्य करने में आगे बढ़ने में काफ़ी उनको जो सहयोग राशि मिल जाती है तो इससे जो है उनकी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो सकता है डॉक्टर साहब आपने बहुत महत्वपूर्ण हमको जानकारी दी है और स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद खेती किसानी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार पिछले सप्ताह प्रदेश का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई खिली धूप और हवाओं के चलते मौसम खुशगवार रहा वायु की औसत गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा रही तथा वायु दिशा पश्चिम से पूर्व दर्ज की गई वातावरण में अधिकतम नमी बानवे फीसदी तथा न्यूनतम तैतालीस फीसदी रही मौसम विभागानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा खिली धूप बनी रहेगी तथा अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है जबकि सुबह के समय ओस और नमी के कारण न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है किसान भाइयों मौसम वैज्ञानिकों की आपको सलाह है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए धान की पकने वाली फसल की कटाई से पूर्व सिंचाई बंद कर दें कटाई उपरांत फसल को दो से तीन दिन तक खेत में सुखाकर गहाई कर, कर लें उसके बाद दानों को अच्छी प्रकार से सुखाकर भंडारण अथवा विपणन का कार्य करें देर से लगाए गए धान की खेती में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें और यदि कोई रोग हो तो उसका नियंत्रण करें धान की बालियां सुनहरी होने पर कटाई अवश्य कर लें अन्यथा दाना बिखरने से उत्पादकता में कमी आ सकती है गेहूं की बुआई से पूर्व जमाव प्रतिशत अवश्य देख लें बुआई लाइनों में और उचित गहराई पर पर्याप्त नमी रहते करें नत्रजन फास्फोरस एवं पोटाश की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय दें असिंचित दशा में जौ की बुआई का उचित समय 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक है अतः बीज की व्यवस्था तुरंत करें रबी सब्जियों की खेती में इस मौसम में रोपित पौधों में निराई गुड़ाई नत्रजन की टॉप ड्रेसिंग तथा आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें मसाले वाली फसलें जैसे धनिया सौंफ कलौजी मेथी अजवाइन तथा सोया की बुआई का उचित समय है साथ ही मटर की भी बुआई का कार्य प्रारंभ करें इस समय शलगम की प्रजातियां व स्थानीय लाल बथुआ में पूसा बथुआ एक मेथी में पूसा कसुरी गांठ गोभी व्हाइट आदि की बुआई यह मौसम शीतकालीन गन्ने की बुआई के लिए अनुकूल है अतः तापमान को ध्यान में रखते हुए गन्ने की बुआई पंक्ति से पंक्ति की दूरी सेंटीमीटर पर करें कतारों की खाली जगहों में आलू सरसों चना मटर गेहूं मसूर आदि आसानी से उगाया जा सकता है। सरसों की बुआई से पूर्व यदि खेत में गंधक की कमी हो तो 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई पर डालें बरसीम की शुरू कर दें बुआई से पूर्व बीजों को पानी में अच्छी तरह धो लें और एक किलोग्राम टाइप नौ सरसों के बीज प्रति हेक्टेयर की दर से साथ में मिलाकर बुआई करें जिससे पहली कटाई में अधिक चारा उत्पादन हो सके गुलाब के पौधों की कटाई छटाई का कार्य करें किसान भाइयों ये थे आज के अंक के मौसम समाचार अगले अंक में मौसम संबंधी कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे तब तक के लिए नमस्कार